आज की इस क्लास में बीए पार्ट थर्ड के लिए मैं एक विषय लेके आई हूँ, कवित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी काव्यगत विशेषताएं। आधुनिक काव्य की प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में हम कवित्री महादेवी वर्मा को जानते हैं और एक ये जाना माना नाम है जिनका जीवन, उनकी रचनाएं और उनकी काव्यगत विशेषताओं पर आज हम चर्चा करेंगे। वेदना की साकार मूर्ति महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे। इनकी माँ श्रीमती हेमरानी देवी हिंदी की विदुषी, धर्मपरायणा एवं भक्त महिला थीं। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन सब का प्रभाव महादेवी जी के जीवन पर पड़ा। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्हें घर पर ही संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी गई। कवि तुलसी, सूर और मीरा का साहित्य उन्होंने अपनी माँ से ही पढ़ा। वे बचपन से ही साहित्य प्रेमी एवं भावुक थीं। सन 1916 में जब ये मात्र 9 वर्ष की थीं, तभी इनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। फलतः इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, किंतु श्वशुर के देहांत के पश्चात उन्होंने पुनः शिक्षा की ओर ध्यान दिया और सन 1920 ईस्वी में उन्होंने प्रयाग से ही मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने प्रयाग से ही मैट्रिक से लेकर एमए संस्कृत तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद वे चांद नामक पत्र का संपादन भी करने लगी। महादेवी वर्मा का जीवन अत्यंत संघर्षशील रहा। शादी के बाद इनकी माता का देहांत हो गया और कुछ समय बाद इनके पति ने भी इनका परित्याग कर दिया। ऐसे समय में महादेवी जी ने बड़ी हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करके नौकरी कर ली। महादेवी जी को बचपन से ही कविता करने की रुचि रही। वे कविता लिखती थीं और उन्हें फाड़कर फेंक देती थीं। कुछ दिनों बाद उनकी कविताएं चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगीं और धीरे धीरे इनके कई काव्य संग्रह प्रकाश में आए। इसके पश्चात प्रयाग साहित्य महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त होगी और साहित्य सृजन करती रहीं। महादेवी वर्मा की कृति निर्जा पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने 500 रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपये का मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। कुछ वर्षों तक आप उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। महादेवी जी की साहित्य सेवा पर प्रसन्न होकर भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 18 मई सन 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में इनको 1,00,000 रुपये का भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके इनका सम्मान किया। इसके बाद 28 नवंबर सन 1983 को आपकी प्रसिद्ध काव्यकृति यामा पर 1,50,000 रुपये का पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से प्रदान करके इनको सम्मानित किया। महादेवी जी प्रयाग महिला विद्यापीठ से प्राचार्य के पद से अवकाश ग्रहण करके भी निरंतर साहित्य की सेवा करती रहीं। 11 सितंबर सन 1987 को इस महान कवयित्री का निधन हो गया। अब हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। महादेवी जी ने विविध क्षेत्रों में साहित्य सेवा की। कविता, निबंध और आलोचना इनके क्षेत्र रहे। नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा आदि इनकी काव्य रचनाएं प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं व श्रृंखला की कड़ियां आदि इनके निबंध हैं। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य इनकी एक मात्र आलोचनात्मक पुस्तक है। महादेवी जी के जीवन दर्शन पर यदि विचार करें तो महादेवी जी का समस्त काव्य रहस्यानुभूति एवं दुखवाद से स्पंदित है, यानी भरा हुआ है। उसमें रहस्य की अनुभूति और दुख की अनुभूति आपको
समझ में आती रहेगी। उनका संगीत कसक और अंतर्वेदना का प्रतिफल है। उनके संगीत में हृदय की कसक और हृदय की वेदना प्रकट होती है, परंतु उनकी वेदना जगत की किसी बाह्य सत्ता की वासना से उद्भूत है। देवी जी यानी महादेवी जी नूतन काव्य प्रणाली की अग्रदूत होती हुई भी लक्ष्य की दृष्टि से पंत और निराला की भांति डिगी नहीं। उनका एकमात्र विश्वास छायावादी काव्यवृत्ति पर अडिग रहना था, इसलिए उनके काव्य का धरातल उन्नत और समान बना रहा। जिज्ञासा की प्रबलता के कारण उनमें रहस्य भावना का प्रबल स्वरूप देखने को मिलता है, और अपने सगुण निराकार प्रियतम के संकेतों को पढ़ना इनकी विशेष कुशलता है। कचोटन और वियोग की अमिट पीड़ा इनके लिए आनंद का अवसर है, अतः विरह विरहिणी और प्रियतम इनकी पीड़ा में समाहित हो जाते हैं। इनकी कविताओं के इनकी रचनाओं के प्रमुख वर्ण विषय रहस्य भावना, दुखवाद, प्रकृति व्यापार, मानव हृदय एवं देश प्रेम की भावना रही है। उन्हें मिलन और वियोग के दुख, आशाओं की भग्नता की मर्म वेदना, चिंतन, लहरियों के निराशामय क्षणों को प्रतिबिंबित करना बहुत ही अच्छा लगता था। रहस्यवाद की बात करें तो महादेवी जी अपने प्रियतम की अनंत प्रकृति में अपने प्रियतम को ढूंढती हैं। उनके वियोग की छटपटाहट में वे कह उठती हैं, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। उनके मन की ये कसक है कि अच्छा होता यदि प्रियतम एक बार आ पाते। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा, यदि तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पर आग। यदि तुम आ जाते एक बार, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा अनुमाद राग, आंसू लेते वे पद पखार, यदि तुम आ जाते एक बार। महादेवी जी की वेदना अनंत है। ये विशेषताएं इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे अभी मैंने चित्रण किया कि रहस्यवाद, वेदना की व्यंजना और प्रेम दर्शन। महादेवी जी के लिए प्रिय से कम मादक पीड़ा नहीं, फिर भी उनके प्रेम सागर की लहरें व वेदना की तीव्र अनुभूतियां अशक्त हो जाती हैं। प्रकृति चित्रण भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। उन्होंने प्रकृति उनके लिए प्रकृति उद्दीपक है। वे प्रकृति के नाना व्यापारों में प्रकृति के संकेत पाती हैं। कभी मनोभावों को बल मिलता है, कभी विचार कौतूहल पंखों पर उड़ते हैं, कभी कभी अनुमानों की श्रृंखला सी बन जाती है। और यदि इनकी भाषा की बात करें, कला सौंदर्य की दृष्टि से इनकी भाषा की बात करें, तो कोमलकांत पदावली की प्रकृति के सुकुमार कवि पंत भी नहीं कर सके हैं। इतनी कोमलकांत पदावली है। प्रारंभिक रचनाएं इन्होंने ब्रजभाषा में की, बाद की रचनाएं सरस खड़ी बोली में। संस्कृत के तत्सम शब्द भी इनकी काव्य में आए हैं। कुल मिलाकर के यदि कहें तो देव महादेवी जी गीतात्मकता की शिल्पकार हैं। शब्द चयन का औचित्य, भाषा का प्रवाह, भावों की मंजुलता सभी एक साथ हैं। इनकी लेखन शैली जो है भावात्मक गीत शैली है। गद्य की शैली तो विवेचनात्मक है, यानी कि जो इन्होंने निबंध आलोचना वगैरह जो लिखी हैं उनकी शैली तो विवेचनात्मक है और तार्किकता से भरपूर है। सामाजिक निबंधों में ओजपूर्ण शैली दिखाई देगी जो विद्रोह का स्वर लेकर के आगे बढ़ती रहती है। समग्र रूप से इनके पद्य की शैली यानी कविताओं की शैली सांकेतिक, गे व भावात्मक है। और यदि अब हम काव्य कला सौंदर्य पक्ष में छंद अलंकार की बात करें तो आधुनिकता लिए तो कांत गे छंद है। अलंकारों की योजना सुंदर है,
अमूर्त का बोध मूर्त के द्वारा कराने में उपमा, रूपक, समासोक्ति आदि प्रयुक्त हुए हैं। रूपक का प्रयोग भी शालीन है, उनकी उपमाएं मनोरम हैं। और अंत में यदि रस की बात करें तो श्रृंगार के वियोग पक्ष का अत्यंत सुंदर चित्रण आपके काव्य में हुआ है। जैसा वियोग चित्रण आपने किया है अपने काव्य में, वैसे वियोग चित्र दुर्लभ हैं। करुण रस भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है, जैसे जो तुम आ जाते एक बार। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि महादेवी जी की पीड़ा अद्वितीय साधिका के रूप में हिंदी साहित्य में अमर है।